हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। और नए वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पगुगल में छिपा के रखा मेरे प्रियजनों। इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के तरफ से हमको जीवन मिला है, उद्धार मिला है। परमेश्वर ने हम सभी को अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई। मेरे प्रियजनों, उसको दर्द हो रहा था। मेरे प्रियजनों, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे प्रियजनों, सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया हमारा परमेश्वर, और कलरी क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। मेरे प्रियजनों, वह जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम सभी को डरने की आवश्यकता नहीं, हम सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारा परमेश्वर यहोवा जिलावर यीशु मसीह जिंदा खुदावन परमेश्वर हम सभी के साथ रहता है। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने कहा है, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तेरा हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर हूँ, उसी मार्ग पर मैं तेरी अगुवाई करूँगा। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यदि बीमार हैं, बीमारी में ग्रस्त हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएँ हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएँ हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को वो परमेश्वर दूर करेगा। वो दूर करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा, दुरंत है। मेरे प्रियजनों, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा जिलावर है, असंभव को संभव करता है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है, वो सर्वशक्तिमान अल्फा ओमेगा, दुरंत पिता परमेश्वर यीशु मसीह से हो सकता है। मेरे प्रियजन, यदि आपके जीवन में हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन है, हर एक करतरा के बंधन है, जादूटना के बंधन है, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी परिस्थितियों को चेंज करना परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, अद्भुत मिराकल करने वाला हमारा यीशु पिता परमेश्वर है, ठीक है? हम सभी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? चलिए प्राणों को स्टार्ट करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, घुटने टेक के बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप महान है पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर है पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है मेरे पिता, इसके लिए पिता यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं। मेरे पिता, मेरे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे, जो पिता जानते फिर भी नहीं मानते पिता, वे मर जाएंगे पिता अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता, वे बिछड़ जाएंगे पिता, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे समीप जो आपने मेरे पिता हम सभी का प्रभु नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, एक अनंत काल का जीवन पिता आप यीशु पापा हम सभी को दिया है। मेरे पिता, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, खास दूर से पिता हम प्रार्थना करते हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो मसीह भाई बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं पिता, जो आखिरी सांस ले रहे हैं पिता, हम चाहते हैं यीशु मसीह आपके नाम से ये मसीह भाई बहन आजाद हो जाएं, आजाद हो जाए, बोल कर आमीन। हालेलुया,
मेरे पिता का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं पिता। इन तमाम मसीह भाई बहनों के जीवन में यीशु मसीह वो चमत्कार कीजिए, इनके जीवन से हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए पिता। जिनके जीवन में हर एक गद्दी बद्दी दुष्ट आत्मा के बंधन है, हर चतुर्ता के बंधन है, कराधर के बंधन है, यीशु मसीह आपके नाम से जल जाए, वे जल जाए कर सकते हैं, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल के राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका बॉडी शरीर कर, इनका शरीर छोड़कर बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम से, वे गंदी बदरूही दुष्ट आत्माएं इनका शरीर छोड़कर जाएं, हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वे जल जाए कर रख सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, वे जाएं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, इनका शरीर छोड़कर वे पवित्र आत्मा वे जाएं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, आदेश देता हूँ, घोषणा करता हूँ उनके जीवन में वो आजादियाँ नहीं पाए, वो चेंजिंग आने पाए, वो बदलाव आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो गरीब है, जो परेशान है, तंगी परेशानी में गरीब है लुप्त है पिता, यीशु मसीह हम चाहते हैं पिता आपके नाम से इनकी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को दूर करें पिता, जो इनको चाहिए आप इन्हें दीजिए, इनकी इच्छाओं को, जरूरतों को यीशु मसीह आप जानते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह हमारे रात में नहीं सो पाते हैं, डर लगता भड़कता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना मेरे पिता। मेरे पिता मुझे आशा विश्वास है पिता आपने प्रार्थना को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।